नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों मार्केट में आज फिर से आप एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी अराउंड अपने वही लोअर लेवल्स के आसपास आते हुए दिख रही है, 17,983 के लेवल्स पे। इस समय लगभग 134 पॉइंट्स की गिरावट है। बैंक निफ्टी में मोर देन 500 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आपसे कंटिन्यू एक ही चीज कह रहा हूं कि आपको लगेगा मार्केट ऊपर में लेवल ब्रेक करने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, दोबारा नीचे आएगा। नीचे में लगेगा कि अब नीचे से ब्रेक डाउन होने वाला है, लेकिन फिर ऊपर हो जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा और इस बीच में पोर्टफोलियो में नुकसान बढ़ता रहता है। क्यों? जब मार्केट तेज होती है, आप भी नोटिस कर रहे हो, मैं भी नोटिस कर रहा हूं, हालांकि मेरा भी स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो है, तो जब मार्केट ऊपर आती है तो स्टॉक्स लेवल पे नहीं आती है तेजी, पोर्टफोलियो लाल निशान में रहती है। मार्केट नीचे आती है तो स्टॉक्स लेवल पे गिरावट होती है और मार्केट में पोर्टफोलियो डेफिनेटली लाल हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक होगा, और ट्रेडर्स के लिए आज निफ्टी में कौन से लेवल्स दिख रहे हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। वैसे तो ऑप्शन चेन को रीड करना मैंने आपको भी सिखाया अपने सेकंड चैनल पे, जहां पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं, यहां पे आपके लिए न्यूज वगैरह की वीडियो आती हैं। तो यहां मैं आपको पहले बता देता हूं निफ्टी का ही, क्योंकि ट्रेडर्स का थोड़ा इंट्राडे का काम होता है, तो उनके लिए पहले बात करते हैं, फिर अपने इन्वेस्टर्स पे आएंगे वापस। ट्रेडर्स की बात करें तो निफ्टी डेज लो पे है, कोई भी रिवर्सल नहीं आ रहा है और कॉल राइटिंग में इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इनफैक्ट मैं पहले पुट राइटिंग की बात कर दूं, यानी कि जो लोग चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे ना जाए, पुट राइटर्स, पुट बेच रखा है, पुट खरीदनी है, बेच रखा है, उन लोगों की 18,100 से पोजीशन कट होने लगी है। 32,000 कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही कट हुए, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग, मार्केट को नीचे धकेला जा रहा है। और ऐसा कोई लेवल दिख ही नहीं रहा 17,900 से पहले जहां पे पुट राइटर्स के अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हो, और वो भी 17,900 पे भी ना ओआई इन चेंज नहीं है, यानी कि आज जो बिल्डअप हुआ है वो नहीं, जो ओवरऑल है ना वो ज्यादा दिख रहा है। तो वो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो है 2,00,000 कॉन्ट्रैक्ट समथिंग का, वो 17,900 पे प्लेस्ड है। अदरवाइज ओआई इन चेंज आज के सेशन में अभी तक किसी भी लेवल पे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का भी नहीं है, 30,000-32,000 समथिंग है 17,900 और 17,850 के समथिंग आई थी। अब वही बात करें कॉल राइटर्स की, यानी कि जो चाहते हैं बाजार नीचे की तरफ जाए, ऊपर ना जाए, वो भारी संख्या में आए हैं। मैं आपको बता दूं 18,000 की कॉल राइटिंग ही लगभग फ्रेश एडिशन है आज, 1,80,000+ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स का, सॉरी लगभग 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट 18,000 की कॉल पे ही आज के सेशन में राइट हो गए। तो ये बड़ा संकेत है कि मार्केट वीक है। अब 18,050-18,100 पे तो आप पूछो, 5,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट बताऊं तो 5,00,000 बैठे हैं 18,100 के लेवल पे, आई थिंक कि भाई मार्केट उसके ऊपर तो जाने नहीं चाहिए। अब मार्केट में सेकंड हाफ में अगर कुछ तेजी ला सकता है, देखिए बात करते करते 17,955 हो गए, क्योंकि 18,000 पे 1,90,000 तो ऑलमोस्ट आ गए, अब मेरे बात करते करते हो गए होंगे। तो यहां पे ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट वीक है आज। अब मार्केट सेकंड हाफ में ऊपर आ सकती है, उसके पीछे का रीजन होगा एक, वो होगा शॉर्ट कवरिंग। अब देखिए आज एक्सपायरी है, आज लोगों को पोजीशन तो काटनी है, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट इनके से इतनी गिरावट के बाद ऊपर जाना चालू करे, जिन्होंने ऊपर का बेचा है वो बुक करें प्रॉफिट, तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, तो वो एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग के रूप में आपको सेकंड हाफ में तेजी बन के वो अगर दिख जाए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैं एक इफ वाली बात कर रहा हूं कि अगर, अदरवाइज मार्केट वीक है। अब 18,000 का लेवल भी आपके लिए निकालना मुश्किल होगा। अब वापस आते हैं स्टॉक्स लेवल पे, बात करते हैं कि क्या करना चाहिए और ये इन्वेस्टर्स के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मार्केट ऊपर। देखिए मार्केट ऊपर इनफैक्ट जा ही नहीं रही है, मैं आपसे कंटिन्यू कह रहा हूँ, ब्रॉडर बेस मार्केट को देखो। अगर आपको पोर्टफोलियो देखने, ब्रॉडर बेस कैसे देख सकते हैं भाई, पूरा मार्केट ब्रेथ देखो। जब मार्केट तेज होती है ना तो 800 शेयर्स पॉजिटिव होते हैं, 1100 शेयर्स नेगेटिव होते हैं एनएससी पे। जब मार्केट नेगेटिव होती है तो आज 391 शेयर्स पॉजिटिव है और लगभग 1600 शेयर्स नेगेटिव है और 391 शेयर्स पॉजिटिव है, तो मार्केट ब्रेथ बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही है और इसी की वजह से नेगेटिविटी मार्केट में। अब स्टॉक्स लेवल पे बात करें तो मैं आपके साथ कल ही शेयर कर रहे थे, ऑलमोस्ट 35 शेयर्स के समथिंग तो आज रिजल्ट्स आने हैं और ऑलमोस्ट 15 शेयर्स ऐसे हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगे। होम फर्स्ट फाइनेंस के नंबर्स के बाद स्टॉक लगभग 5% ऊपर दिख रहा है। कार ट्रेड के शानदार नंबर के बाद 3.5% स्टॉक ऊपर है। नजारा टेक 4.5% ऊपर है। ये रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि मैंने इनमें से कुछ ही स्टॉक्स आपके साथ कवर करे थे जिनमें गिरावट हो सकती है, उनमें यूनाइटेड स्प्रिट का नाम था, क्योंकि इस समय ना जज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप देखो मार्केट में नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स के बाद नंबर्स पे रिएक्शन बहुत कम स्टॉक्स देते हैं, तो जो रिएक्शन दे सकते हैं बस उन्हीं पे बोलता हूं, अदरवाइज मैं केवल नंबर बता के छोड़ देता हूं। तो मैंने एक इंडस्ट्री आपके लिए बात करी थी कहीं ना कहीं मैकडोवल्स पे, यूनाइटेड स्प्रिट्स पे,
एंड कार्ड ट्रेड पे, कि कार्ड ट्रेड के नंबर हर एक पैमाने पे अच्छे दिख रहे हैं। तो ये दो स्टॉक्स पे बात करी थी, बाकी आपके साथ मैंने ज्यादा किसी का शेयर करा नहीं था कि कैसा रिएक्शन रह सकता है। नंबर्स आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दे। एक पिडलाइट इंडस्ट्रीज के नंबर शेयर कर दे, काफी बड़ी गिरावट के लिए बोला था, हालांकि 2.5% ही नीचे है, बट स्टॉक के नंबर काफी खराब है और नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के मौके ढूंढे। अब आज के सेशन में आपके लिए कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जान ले। पहले तो कुछ एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं लाइक हेवेल्स, प्रसिस्टेंट सिस्टम, नेशनल एल्यूमिनियम्स। बात करें रिजल्ट कैलेंडर की तो टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर डीवीआर अपने बड़े नंबर है जो पेश करेंगे, बजाज ऑटो अपने नंबर पेश करेगा, इंद्रप्रस्थ गैस अपने नंबर पेश करेगा, सीएट वीएसटी इंडस्ट्रीज, तो बहुत सारे नंबर्स हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट भी बना रखी है, आप चाहे तो मैं बता सकता हूँ, वर्धमान टेक्सटाइल, डॉक्टर रेडी लैब, सिप्ला, डीएलएफ, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी, ये कुछ बड़े नाम है, बाकी तो बहुत सारे नाम है, लगभग 31 स्टॉक्स तो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये मेरी पहली वीडियो, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते जाएंगे स्टॉक स्पेसिफिक आपके साथ बात करता जाऊंगा, जो जो खबरों में हूँ उनके सबकी डिस्कशन होगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।